अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज का ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर इसकी फेस की रीटचिंग करेंगे, इसकी कलर ट्यून को एडजस्ट करेंगे और बैकग्राउंड बेस्ट कलर गाइडिंग के मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो काफी ज्यादा इंप्रेसिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि कुछ इस तरह के मेथड्स हैं जो आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताने, और इस तरह के मेथड है जो आप अप्लाई करके अपनी पिक्चर को एडिटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट होकर आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, तो गाइज ये आज का हमारा सब्जेक्ट था, ये पिक्चर थी, इसे मैंने अडोब फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करके इसके हेयर जो थे वो भी एडजस्ट किए हैं, फेस के ऊपर कलर शाइन भी लेके आया हूँ और इस पिक्चर को बहुत ही अच्छे से जो है कन्वर्ट किया एडिटिंग करके, इसकी गुड कलर गाइडिंग करके आप लोगों के सामने ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले ये पिक्चर थी, ठीक है, इसे मैंने अडोब फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग करके इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो आज का भी हमारा ट्यूटोरियल बेस्ट कलर गाइडिंग के ऊपर है, तो इंशाल्लाह वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग ये अडोब फोटोशॉप की बेस्ट कलर गाइडिंग की ट्रेनिंग करके आप खुद की पिक्चर को बहुत ज्यादा बेटर देन, बहुत ज्यादा लुक वाइज, बहुत ज्यादा गुड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के सामने शो करवा रहा हूँ, इसके फेस के जो डॉट्स हैं, जो निशान है, वो आप लोग वॉच कर ही रहे होंगे। ठीक है, इसके स्किन की हाई एंड रीटचिंग करेंगे और इसके हेयर सेट करेंगे और बेस्ट कलर ट्यून जो है इसकी सेटिंग करेंगे, बेस्ट कलर गाइडिंग के भी मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पोर्ट्रेट जो है अडोब फोटोशॉप के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा फिल्टर के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी हमने मिक्सर टू ब्रश भी यूज नहीं करना, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा फिल्टर के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने डायरेक्टली हमने कैमरा फिल्टर के अंदर अपनी पोर्ट्रेट जो है ओपन कर लिया। अब इसकी कलर की ट्यून को थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो कलर ट्यून सेटिंग आ रहा है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर एडजस्टिंग करके अपनी पिक्चर को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो आ जाता है व्हाइट बैलेंस के नीचे जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसे जो है टेम्परेचर को -4 पर कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपोजर आ जाता है, यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूं, यहां पर हाईलाइट है एंड व्हाइटिंग, ठीक है, इसे कम कर देता हूं और शेडो को थोड़ा सा अप कर देता हूं। ठीक है, इससे ये है कि हमारे पिक्चर्स के ऊपर शाइन जो है क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फेस की फिनिशिंग करते हैं, हेयर्स को सेटिंग किया, फिर कैमरा फिल्टर के अंदर आए, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा फिल्टर के अंदर ही अपनी पिक्चर की कलर की ट्यून को सेट कर लिया करें, जिससे आप बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी पिक्चर जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर को ऐड करता हूँ, ग्रेविटी को ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर फेस के ऊपर रीटच करता है, इसे थोड़ा सा माइनस पर कर लेता हूँ। ठीक है, इसे प्लस पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो अब जो है लास्ट पर एफएक्स थोड़ा सा ऐड करके, ठीक है, मिड पॉइंट को थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन लाइट को थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को थोड़ा सा अप कर लेता हूँ, ये हमारे पिक्चर के अंदर कुछ इस तरह की लुक जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पहले हमारी पिक्चर ये थी। ठीक है, अब हमने कलर ट्यून सेट करके अपने पिक्चर को सेम इस तरह की पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए पहले पिक्चर ये थी, बिफोर ये आफ्टर। ठीक है, अब आप लोगों को वैसे भी ये चीज जो है समझ आ गई होगी कि इस तरह की पिक्चर्स को आप पहले अडोब फोटोशॉप के अंदर कैमरा फिल्टर के अंदर यूज किया करें। ठीक है, इसकी कलर की ट्यून किया करें, फिर इसके दूसरा मेथड जो है फेस फिनिशिंग और हेयर सेटिंग की तरफ आया करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसकी वाइब्रेंस एडजस्ट करके यहाँ पर ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये देखना हमारी पिक्चर्स के ऊपर किस तरह की लुक जो है हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर गाइज आ चुकी है। यहाँ पर हम कंट्रोल जे करते हैं ये दोनों लहरों के दो लहरें करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये पहले एक लहर थी। ठीक है, कंट्रोल जे करता हूँ, ये एक लहर थी, इसे डुप्लीकेट लहर किया। ठीक है, कंट्रोल जे से आप दो लहरें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पॉट हिल टूल्स है, स्पॉट हिल टूल्स की मदद से मैं यहाँ पर फेस के ऊपर जो छोटे छोटे निशान है वो रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज रूल यूज किया करें, जब भी आप फेस की रीटचिंग करते हैं, जब भी की यानी कि आप किसी भी किस्म की रीटचिंग करते हैं फेस के ऊपर, स्पॉट हिल टूल से आप इसके इजी वे के मेथड के साथ जो छोटे छोटे डॉट होते हैं, जो छोटे छोटे निशान होते हैं, वो रेज कर लिया करें। क्योंकि जब भी आप मिक्सर टूल ब्रश को यूज करते हैं स्किन की रीटचिंग के लिए, अगर आप ये चीजें इसके ऊपर से रेज नहीं करते, ये आपके वहां पर स्किन के ऊपर जो है निशान ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के निशान होते हैं जो फेस के ऊपर अच्छा नहीं लगता, फेस की कलर को इक्वल रहने नहीं देता, फेस की कलर को कुछ डैमेज कर देता है। तो इसलिए स्पॉट हिल टूल की मदद से इसके फेस के ऊपर जो निशान होते हैं, जो भी चीजें डॉट स्पॉट हिल जो भी है, इसे जो है रेज कर लिया करें। ठीक है, तो ये देखिए ये पिक्चर थी, इसे जो है हमने
के अंदर कन्वर्ट कर लिया स्पॉटेड टूल्स की मदद से। अब जो है ब्रश मिक्सल टूल ब्रश को यूज करते हैं स्किन की रिटचिंग के लिए, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग है, वेट इसका 34 रखा है, लोड इसका 33 है, मिक्सर इसका 33 है, फ्लो 45 है, ठीक है। तो अगर आप यही अप्लाई करना चाहते हैं, यही मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो के अंदर जरूर वॉच कीजिएगा। इसके अंदर भी आप लोगों को न्यू गैजेट शेयर करने लगा हूं, क्योंकि इससे भी स्किन की रीटचिंग और भी ज्यादा स्मूथली और भी ज्यादा अच्छी जो है होके आप लोगों के सामने जो है आती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आता रहूं सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट कलर गाइडिंग आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। प्रोफेशनली पिक्चर, आउटडोर प्रोफेशनली पिक्चर सेम इसी मेथड के साथ जो है एडिटिंग की जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोफेशनली वर्क जो है शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो सिर्फ गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है आप लोगों के लिए एलियन स्किन एक्सपोजर X5 की प्रेस की होंगी, जो आप लोगों को साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइज ये देखें मिस्टर टूल ब्रश की मदद से, मिस्टर टूल ब्रश की मदद से मैं आप लोगों के साथ इजीली इसकी स्किन की जो है रीटचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप भी अपने स्किन की रीटचिंग करेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये देखें गाइज आप लोग भी इजी वे के मेथड के साथ स्किन की रीटचिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की पिक्चर जो है काफी हद तक परफेक्टली जो है पिक्चर एडिट होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जो आप नोटिस के अंदर रख के इनको इनके ऊपर वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। 157 वीडियो अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यार जल्दी से जाए मेरे अडोब फोटोशॉप की लर्निंग शुरू करें, ठीक है। 157 जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो वहां से आप लोग वॉच करके अपने खुद का लर्निंग को और भी ज्यादा बेटर देन और भी ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये देखें इजी वे के मेथड के साथ इसकी स्किन की रीटचिंग की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह यही चीजें हैं जो आप लोग यूज करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। और साथों ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर कमेंट आए थे कि साथ भाई जो अडोब फोटोशॉप आप यूज करते हो वो हमें शेयर करो, ठीक है। तो मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि गाइस मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि अडोब फोटोशॉप फ्री डाउनलोडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के लिंक के नीचे दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग वॉच करें, वॉच करके उसके डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसे यूज करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो गाइज ये देखें यहाँ पर नीचे से भी मैं इसकी स्किन की रीटचिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये मैं काफी ज्यादा फास्टली वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा समझाने की मैंने कोशिश करनी है, ठीक है। मेरा टारगेट भी यही होता है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा वर्क जो है आप लोगों को सिखाऊं, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडियो का वर्क होता है, इतना टाइम जो है काफी ज्यादा शॉर्ट होता है कि वीडियो बनाने में भी काफी ज्यादा टाइम जो है लगता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें यहाँ पर भी आप इजीली निक के ऊपर भी मिक्सर टूल ब्रश को यूज कर सकते हैं, यहाँ से हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो आप फोकस के अंदर रख के इनको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आप इजी वे के मेथड के साथ अपने पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन और भी ज्यादा कलर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिफोर आफ्टर और बेस्ट कलर गाइडिंग के मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह की ट्रिक्स होती है जो किसी को नहीं पता, ठीक है, तो फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो न्यू यूजर है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंप्रेसिंग है तो इंशाल्लाह वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें मैंने इसकी स्किन की रीटचिंग कर ली है, ठीक है। पहले हमारी पिक्चर ये थी, इसकी स्किन की रीटचिंग करके हमारी पिक्चर ये हो गई, ठीक है। अब जो है इसे मर्च विजिबल बाद में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आईज के अंदर थोड़े से लेंस जो है ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए थोड़े से ऐड करता हूँ लेंस को, ठीक है। आप इसे जो है राउंड दो दफा ही घुमाएं तो इंशाल्लाह आपकी आईज के अंदर इस तरह की लाइट जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें रूजल टूल के जरिए से हमने इसकी आईज के अंदर जो लाइट इन की है, ठीक है। अब हम इसके हेयर्स को थोड़ा सा सेट करते हैं। हेयर्स को किस तरह सेट करेंगे तो गाइस जैसे कि ये चीजें जैसे कि हेयर्स बाहर आए हुए हैं, यहाँ पर ये देखें इजीली यहाँ से आप जो है
स्पॉट हिल टूल की मदद से रेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आप लोग रेज करते हैं इससे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी करप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है ये हमने इसके जो पीछे से हेयर्स थे अजाफी, तो वो हमने कट कर लिए, ठीक है। अब इसके हेयर्स की सेटिंग करेंगे, फिल्टर लेटिफाई के अंदर जाएंगे, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, अगर आप ये चीज को यूज करते हैं ये लेटिफाई के टूल्स आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो है ये चीज को ले आप लोग यहाँ पर इजीली, ये टूल्स को ले यहाँ पर इजीली आप ऊपर करेंगे तो आपके हेयर्स के वॉल्यूम की लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इसका वॉल्यूम थोड़ा सा आप कर रहे हैं हेयर्स का, ठीक है। इसी तरह ही आप लोग भी अपने पिक्चर को सेम यही मेथड के अंदर यूज करके अपनी पिक्चर को सेम इससे भी बेटर जो है एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कल जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा वो जो है एलियन स्किन एक्सपोजर X5 के प्रीस की होगी, जो आप अडोब फोटोशॉप के अंदर यूज करके अपनी पिक्चर के ऊपर वो लर्स वगैरह प्रिंट्स वगैरह यूज करके अपनी पिक्चर के अंदर काफी सारा लुक जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये परफेक्ट कलर गाइडिंग के ऊपर है, ठीक है। आउटडोर पिक्चर के ऊपर परफेक्ट कलर गाइडिंग प्रोफेशनल वर्क किस तरह करते हैं, तो यही वर्क आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो इंशाल्लाह वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिए, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक वॉच करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप आउटडोर पिक्चर को टोटली कंप्लीटली जो है वर्क के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये पिक्चर थी, इसे जो है इसके हेयर सेट करके इसे इस मेथड के अंदर कन्वर्ट किया। यहां से मैं ओके करता हूं तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है हेयर सेट होकर हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर कैमरा फिल्टर के अंदर जाएंगे, ठीक है। कैमरा फिल्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है कलर गाइडिंग करेंगे, ठीक है। तो कलर गाइडिंग के कुछ आप लोगों को असूल बता दूं, कुछ रूल्स बता दूं कि अगर आप लोग परफेक्शनली कलर गाइडिंग करना चाहते हैं तो कलर को बिल्कुल भी तेज मत करें, ठीक है। तो जितना भी आप कलर को तेज करेंगे उतनी ही आपकी पिक्चर जो है रफ एडिटिंग होगी, जिसे कहते हैं बकवास बकार हर किस्म, यानी कि वो सही एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि जितने ज्यादा आप तेज कलर करेंगे उतनी अच्छी आपकी पिक्चर जो है कलर गाइडिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक आप लोगों को यह भी बता रहा हूं कि जब भी आप पिक्चर्स को आउटडोर को एडिटिंग करते हैं उसके बैकग्राउंड को कलर को बिल्कुल भी तेज नहीं करना, ये चीज आप अपने माइंड के अंदर बिठा लें। अगर आप लोग ये चीज को अपने माइंड के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 100% कह सकता हूँ कि आप आउटडोर पिक्चर्स को जब भी एडिटिंग करेंगे उसकी न्यू लुक आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग ये चीज को जरूर नोटिस के अंदर रखें, जब भी आप पिक्चर्स को एडिटिंग करें आउटडोर पिक्चर्स को एडिटिंग करें उसके बैकग्राउंड के कलर को आपने लो ही रखने, जितना ज्यादा वो कलर तेज होगा उतना ज्यादा वो आपकी आईज को फोकस भी करेगा, वो पिक्चर अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो फोकस में रखने वाला ये हमारा सब्जेक्ट है, फोकस में ये जो है सब्जेक्ट जो है इसे हमने फोकस में रखना है और बैकग्राउंड को हमने छोड़ ही देना है, क्योंकि बैकग्राउंड के अगर हम कलर तेज करेंगे हार्ड कलर रखेंगे तो जब भी पिक्चर देखने वाले को बैकग्राउंड ही खूबसूरत लगेगा, वो जो है बैकग्राउंड को ही फोकस करेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक ये कुलिया ये मेथड अगर आप लोग अपने माइंड के अंदर एडजस्ट कर लेते हो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आउटडोर पिक्चर्स बनाने के लिए आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप वर्क करते भी हो तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर जो है न्यू लुक आप लोगों के सामने प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो गाइस इसी तरह ही आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इस तरह के मेथड है जो आप लोगों को कोई भी शेयर नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड ये जितनी भी चीजें हैं आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें यहाँ पर हम जो है इसकी कलर गाइडिंग करेंगे, ठीक है। कलर गाइडिंग के कुछ मेथड भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रहता है अडोब फोटोशॉप की लर्निंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आता रहूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है कंट्रास्ट को थोड़ा सा अप करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट को भी थोड़ा सा अप करता हूँ, शेडो को भी थोड़ा सा अप करता हूँ, ठीक है। व्हाइटिंग को भी थोड़ा सा अप करता हूँ, ब्लैक को थोड़ा सा राउंड अंदर कर लेता हूँ, कहने का मतलब है कि -22 पर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आप फोकस के अंदर रखना जब भी आप कलर गाइडिंग करेंगे कलर ट्यून की एडजस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इससे जो है आपकी पिक्चर काफी अच्छे से जो है प्रोवाइड होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिप्स का कलर जो था रेड था, लिप्स को थोड़ा सा अप किया, ठीक है। यहाँ पर इसे -4 कर दिया, ठीक है। ऑरेंज कलर को थोड़ा सा इधर अबव किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे बैकग्राउंड जो कलर है वो ग्रीन और दूसरा जो कलर है इसका जो है येलो है, ठीक है। ग्रीन एंड येलो ये दोनों पिक्चर का यानी कि पिक्चर के बैकग्राउंड के अंदर इस कलर का कंट्रास्ट है येलो एंड ग्रीन, ठीक है।
ये दो कलर जो है हमारे पिक्चर के बैकग्राउंड के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रीन को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर येलो को जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो लास्ट पर ये जो ग्रीन कलर है इसे थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, येलो को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा अप कर लेता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी शाइन जो है अप कर लेता हूँ। यहाँ पर एफएक्स थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट को थोड़ा सा अप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है सिलेक्शन कलर है इसे थोड़ा सा अबव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 5 5 5, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह के मेथड के साथ अपने पिक्चर्स को जो है आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर को थोड़ा सा अंडर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर ये देखें, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने ज्यादा ही जो था वो अप कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, हमारी पिक्चर पहले ये थी, तो अब उसे अडोब फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग करके ये कलर लुक जो है हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये देखें आप लोगों के सामने कितना अच्छा सा जो कलर है कंट्रास्ट बन के आप लोगों के सामने आया, ठीक है। तो अब फिर भी हम इसके अंदर थोड़ा सा वर्क जो है और भी करके इस पिक्चर्स को और भी ज्यादा बेटर देन करेंगे। जैसे कि ब्लू कलर यहाँ पर शो हो रहा है, ब्लू कलर को अगर यहाँ पर माइनस कर दूं, ठीक है, खत्म ही कर दूं ब्लू कलर को, तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है अभी भी और भी ज्यादा अच्छी होने लग गई है, ठीक है, और भी ज्यादा परफेक्ट लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कलर है इसे भी मैं थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन कलर का मेरी पिक्चर्स के ऊपर वर्क का फायदा नहीं है। कहने का मतलब इन कलर की मुझे पिक्चर्स के अंदर यूजिंग ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखें ब्लू पर्पल, ठीक है, मैंने ये चीज को मैंने माइनस कर दिया, खत्म ही कर दिया कलर को, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नॉइज, आपकी पिक्चर के ऊपर नॉइज है, ठीक है, यहाँ पर इसे भी जरूर यूज किया गया लम्स को, ठीक है। इसके अंदर आपकी पिक्चर जो है काफी अच्छे से जो है प्रोवाइड होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट को अप करता हूँ, लाइटिंग को थोड़ा सा अप करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी शाइन जो है क्रिएट करेगा, ठीक है। तो शाइन जब भी क्रिएट करेगा तो हमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, ठीक है। आउटडोर पिक्चर अगर क्लोजअप पिक्चर होती तो फिर इसके ऊपर फेस के ऊपर शाइन भी लेके आते, ठीक है। तो गाइज ये देखें, ये पिक्चर्स मैंने आप लोगों के सामने परफेक्टली कलर गाइडिंग की है, ठीक है। तो इनशाला यही मेथड आप लोग यूज करके अपनी पिक्चर को सेम इसी तरह की पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। तो वेरी इजी सा मेथड है, कुछ इस तरह के ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। तो ये देखें, पहले हमारी पिक्चर ये थी, ठीक है, इसे मैंने अडोब फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग करके इस पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो वेरी इजी सा मेथड है, तो इंशाल्लाह आप लोग भी ये चीज यूज करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल वीडियो यहीं तक था, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो गाइज इसी तरह बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।